नमस्ते दोस्तों, केयर फॉर पेट्स पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं डॉलर के स्विम ब्लैडर डिजीज़ के बारे में। ये स्विम ब्लैडर डिजीज़ में आज हम जानने वाले हैं ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, ये कैसे होता है? तो ये आपके फ़िश को सिर्फ तब होता है जब आपका पानी आपके फ़िश को अग्री ना हो रहा है, मीन्स पानी के पैरामीटर्स फिश को अग्री ना हो रहे हैं, आपकी फ़िश सीख है, या फिर जब आप अपने फ़िश को ओवर फीडिंग करते हो। गाइज मोस्टली ये ओवर फीडिंग के कारण ही होता है या फिर वाटर के पैरामीटर जब अलग होते हैं, बट मोस्टली गाइज ओवर फीडिंग के कारण ही होता है, या फिर कभी कभार जब आपका ऑक्सीजन बंद हो जाता है, बहुत टाइम तक ऑक्सीजन नहीं है, तो उसके कारण भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट की तरफ, उसके सिम्टम्स क्या है? तो दोस्तों उसके सिम्टम्स ये कि आपकी फ़िश, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि आपकी फ़िश को स्विम ब्लैडर हुआ है, क्योंकि उसमें वो फ़िश तैर नहीं पाएगी स्ट्रेट, वो या तो उल्टी तैरेगी या फिर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो में मेरी डॉलर कैसे स्विम कर रही है, वैसे स्विम करेगी। तो गाइस टेंशन ना लेना है क्योंकि ये फ़िश बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हुए है ट्रीटमेंट। तो गाइस इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहले अगर आपके फ़िश को आपने कम्युनिटी टैंक में रखा है तो आपको उसे वहाँ से निकाल के एक छोटे टैंक में रखना होगा, और जब आप छोटे टैंक में उसे रख रहे हो आपको याद रखना है, अगर आपका 1 फीट का टैंक है तो आपको उसमें पानी से 40% भर के रखना है और फिर वो फ़िश को वहाँ पर डालना है, और उसके बाद अपने नॉर्मल लिक्विड डालिए, हीटर डालिए, हीटर इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हीटर ट्रीटमेंट के लिए। ऑक्सीजन डबल कीजिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एप्सन सॉल्ट, जी हाँ एप्सन सॉल्ट आपको डालना है, 1 ग्राम डालना है, 1.2 ग्राम भी डाल सकते हैं आप, बट उससे ज़्यादा ना डालिए। और ये ट्रीटमेंट आपको एक से दो दिन तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि 2 दिन बाद आई एम श्योर आपकी फ़िश थोड़ी अच्छी हो जाएगी, अच्छे से स्विम करेगी, और जैसे जैसे आपकी फ़िश अच्छे स्विम करती है आप पानी का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, 40 से 60 कर सकते हो और फिर 70-80 फिर 100% कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्यों पसंद नहीं आएगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, फिर से नमस्ते।